तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं, हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। राइट स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हम सीख रहे हैं और उसमें हमने केस फर्स्ट और केस फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम जो करेंगे वो हम दो केस करेंगे, केस नंबर टू और केस नंबर थ्री। इन बात का ध्यान रहे, जब भी हम केस करते हैं तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखनी होती है कि किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कौन सा केस लगता है उसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा मस्ट होती है। सपोज करो भाई, आपने टॉपिक समझ लिया लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता वो कौन सा केस है, तो फिर उस केस का कोई महत्व नहीं रह जाता। हाँ या ना? तो इसलिए आप कोशिश किया करें, जब भी आप पढ़ो और किसी भी केस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ना कि इसको हम कैसे पहचान करेंगे एग्जाम में अपने स्तर से, तो वो सबसे काम बेस्ट हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप केस फर्स्ट और केस सेकंड फोर्थ में आप पहचान करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, डिफरेंस करना सीख गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पहचान में आएगा कि कौन सा केस लग रहा है, तभी तो सॉल्व करोगे ना। तो इसलिए आपको ये चाहिए होता है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा केस नंबर सेकंड है और केस नंबर थर्ड है। देखो, यूं तो केस सेकंड जो है, जो केस थर्ड है प्यारे बच्चों, वो एक्सटेंशन है ऑफ केस सेकंड का। मतलब सर, मतलब ये केस सेकंड और केस थर्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है इन दोनों में। केस थर्ड जो है वो केस सेकंड का जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई कह दूं या एक्सटेंशन कह दूं केस सेकंड। पर केस थर्ड में एक स्टेप जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, केस सेकंड में वो स्टेप नहीं है। राइट स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब जुड़वा है तो आपको इस तरीके से इनको समझना है कि आप इनमें कंफ्यूज ना हो, है ना। अक्सर देखा जाता है ना कि जुड़वा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा ना हो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाए कि केस थर्ड है या केस सेकेंड है, तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। राइट स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस काफी अच्छी तरीके से, जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से समझ लेना है। उम्मीद करूंगा आप ऐसा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सर, पहचान क्या है? देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ओल्ड रेशो गिवन होता है ना, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्ट, मैंने आपको बताया था ये तो चारों केस में होगा। हाँ या ना? ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये चारों के चारों केस में होगा। केस फर्स्ट में भी होगा, केस सेकंड में भी होगा, केस थर्ड में भी होगा, केस फोर्थ में भी होगा। ठीक है सर, तो फिर डिफरेंस क्या करना है आपको? तो डिफरेंस के लिए आपको समझना है, यहाँ पर आप याद रखें, केस फर्स्ट में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता था, न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर्स का शेयर होता था, तो जब न्यू पार्टनर का शेयर होता था प्यारे बच्चे, तो आपको बताया था कि केस फर्स्ट में भी होता है और केस फोर्थ में भी होता है। तो सर, केस थर्ड और केस सेकंड में क्या स्टेटस है इस चीज का? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको चाहे गिवन हो चाहे ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ओल्ड रेशो तो गिवन होगा, ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे ही केस सेकंड में हो भी सकता है और नहीं भी। आ रही बात समझ में? इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस चीज से पड़ेगा तो उस चीज को आप समझिए, किस चीज से आपको फर्क पड़ेगा। केस सेकंड में क्या होगा प्यारे बच्चों? केस सेकंड में होगा यू कि इसमें आपको साफ साफ बताएगा कि कोई पार्टनर, यानी कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दे रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस होगी वो होगी फ्रॉम की, अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दे रहे हैं। ये कीवर्ड एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, एक तरह से कीवर्ड होगा। और यहाँ पर जो होगा केस थर्ड में, ये एक तरीके से प्यारे बच्चों, इसमें आपको ऑफ हिज शेयर मिलेगा, ऑफ हिज शेयर मिलेगा। मतलब सर, अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा प्यारे बच्चों मैं आपको, ऐसा नहीं है कि हम इसका मतलब नहीं समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन जो डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आपको पूरी जान लगानी, पूरे एफर्ट लगा देने इसी बात को समझने में कि केस थर्ड में और केस सेकंड में अंतर क्या है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा
आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होने कि केस फर्स्ट है या केस सेकंड कंफ्यूज हो गए ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक बार चांस में, तो वो होगा केस सेकंड और केस थर्ड में। हालांकि हम मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको और आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन स्टिल अगर कोई कंजाइस बनती है तो वो केस सेकंड और केस थर्ड में कंफ्यूजन की बनती है और किसी भी रेशो में, किसी भी केस में नहीं बनती। ओके सर, एग्जाम्पल देते हैं प्यारे बच्चों। देखो जैसे कि मैं अगर आपसे बताऊं केस सेकंड में, या एक काम करते हैं क्वेश्चन उठा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे आप। ये उठा लीजिए क्वेश्चन नंबर 1-2 पढ़ता हूं मैं। देखो इसमें कहा रवि एंड मुकेश, अभी सबका फोकस सही है मुझे पूरा, अगर आप थोड़ा सा भी लेजीनेस में बैठे तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए, सीधे बैठ जाइए है ना, कमर सीधी और अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर। कह रहा रवि और मुकेश आर पार्टनर, जिनका रेशियो कितना था प्यारे बच्चों, 7:3। ठीक है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के ही काम चल सकता है, लेकिन मैं आपको क्योंकि पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आपको पूरा अटेंशन हो। तो रवि और मुकेश दो पार्टनर थे जिनका रेशो 7:3 था। 7:3 होने का मतलब है दो पार्टनर थे, यानी कि ये दोनों पार्टनर कैसे थे, ओल्ड पार्टनर थे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दे एडमिट अशोक, अशोक को इन्होंने एडमिट कर लिया, अशोक को इन्होंने एडमिट कर लिया, अशोक को इन्होंने एडमिट कर लिया, जिसमें उसका बताया रेशो 3:7 था। माइक बंद कर लीजिए सभी बच्चे। इनका अशोक का शेयर कितना था, 3:7 था, 3:7 था। अगर मैं क्वेश्चन को आगे ना पढ़ूं, अगर मैं इससे आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं और इतनी अवेलेबल क्वेश्चन हो मेरे पास, इन्फॉर्मेशन इतनी ही अवेलेबल हो, तो आप इसको कौन सा केस कहेंगे? वेरी सर फर्स्ट केस गुड सर फर्स्ट केस, वेरी गुड वेरी गुड, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका जवाब, केस फर्स्ट कहेंगे हम इसको, लेकिन मैं तो क्वेश्चन क्योंकि आगे है तो आगे पढ़ूंगा। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ इसको, क्वेश्चन को आगे इसने क्या कहा, कह रहा 3:7 के लिए इन द फॉर्म, यहाँ तक तो हो गया, विच ही टेक, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से नई कहानी शुरू हुई, क्योंकि आपने तो बता ही दिया सर यहाँ तक तो केस फर्स्ट है, लेकिन अगर मैं जैसे ही अपनी कहानी को आगे बढ़ता हूँ, कह रहा विच ही, विच जो, विच मतलब 3:7, ही टेक्स वो लेगा 2:7 किससे, फ्रॉम रवि से, और एंड और 1:7 फ्रॉम मुकेश, और 1:7 किससे लेगा जी, मुकेश से लेगा। तो यहां पर आपको एक बात तो तय हो गई होगी, ना तो केस फर्स्ट है ना तो केस फोर्थ है, ना तो केस फर्स्ट है और ना ही केस फोर्थ है, क्योंकि केस फर्स्ट में आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही होती, तो इसलिए केस फर्स्ट नहीं है। केस फोर्थ में फ्यूचर रेस होता, फ्यूचर रेशो भी नहीं है, तो केस फर्स्ट भी नहीं है ना केस सेकंड है, सॉरी फोर्थ है। अब बात करते हैं थर्ड सेकंड की और फोर्थ की। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने अभी आपको बताया था एक कीवर्ड केस सेकंड के लिए, क्या बताया था, एक वर्ड कीवर्ड फ्रॉम मिलेगा आपको, फ्रॉम, फ्रॉम, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो एक क्वेश्चन के थ्रू आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अच्छा ये वाला जो शेयर है, ये वाला कितने वाला सर, ये वाला 3:7, ये दे भी सकता है और नहीं भी, अगर ना दे तब भी कोई टेंशन नहीं, दे तब भी कोई टेंशन नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो। देता जब भी कोई दिक्कत, दे दिया ठीक है कोई बात नहीं, हमें इसका कुछ नहीं करना, और नहीं देता जब भी काम चलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। केस सेकंड में और केस थर्ड में ये दे भी सकता है 3:7 और नहीं भी दे सकता, यानी कि नए पार्टनर का शेयर साफ साफ बता भी सकता है और नहीं भी बता सकता, तो याद रखना इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमारा काम तब भी चल जाएगा, नहीं देगा तब भी। वेल आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया फ्रॉम का मतलब होता है अपने हिस्से में से इतना देना, साफ साफ कह रखा, देखो कह रहा विच ही टेक, जो नया पार्टनर है ना अशोक, वो 3:7 लेगा, टेक करेगा, किससे टेक करेगा जी, 2:7 फ्रॉम रवि, यानी कि 2:7 तो किससे लेगा बेटा, रवि से लेगा, और अपने हिस्से का ही 1:7 किससे लेगा, मुकेश से लेगा। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है, बेसिकली साफ साफ बता दिया है कि रवि कितना देगा या रवि से वो कितना लेगा, और मुकेश कितना देगा या मुकेश से वो अपना शेयर कितना लेगा, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। कुल मिला के क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझना है आपको, कि इसमें आपको साफ साफ बता दिया है कि रवि नए पार्टनर को कितना हिस्सा देगा और मुकेश नए पार्टनर को कितना हिस्सा देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को चलो साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, फिर केस थर्ड एक बार ही बताऊंगा मैं आपको, ताकि आप डिफरेंस भी कर सकें। चलिए जी, तो यहाँ पर हमें निकालना है किसका शेयर निकालना, नया भाई रवि का तो निकालना है क्योंकि रवि पुराना पार्टनर था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रवि गिव, लिख दूं मैं इसको रवि गिव टू अशोक, बात एक ही है ना, कितना देगा 2:7,
और मुकेश गिव टू अशोक। हालांकि क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है, मैं वो भी लिख सकता हूँ, लो मैं लिख देता हूँ, तो भी आप कंफ्यूज हो, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको भाई, अशोक टेक फ्रॉम रवि 27। बात एक ही है ना, ऐसे मैं यहां लिख सकता हूँ अशोक टेक फ्रॉम मुकेश 17। हाँ है ना, बात बराबर है भाई, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर अलग लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश में। उसने सरेंडर करा, उसने टेक किया, उसने गिव किया, सैक्रिफाइस किया, एक ही बात है। वेल, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब मुझे ये लिख लेना है आपको, ठीक है ना, ये चीजें आपको लिख लेनी है हर बार, चाहे आप कौन सी भी लैंग्वेज में लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे आप ब्लू कलर में जो दिखा रखी मैंने ऐसे लिख लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों जब भी दो पार्टनर होंगे या तीन होंगे, उन्हें नया कितना देंगे वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, बेसिक ये है ना, वो ब्लू कलर में तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना, रवि का नया सेरेंडर निकालना होगा, तो मैं निकाल लूंगा रवीज, न्यू शेयर, और किसका निकालना मुझे, मुकेश। मुकेश का न्यू शेयर, लो जी। तो जब मुझे रवि का न्यू शेयर निकालना है और मुकेश का, तो मुझे पता है इनका पुराना रेशो कितना था भाई, पुराना रेशो कितना था बेटा, 7:3, दैट मीन्स 7/10, और यहाँ पे जगह बना लेता हूं मैं, हाँ जी, इसका कितना था, 3/10, हाँ या ना। अब यहाँ पे मुझे क्लियर है, रवि ने उसने अपने हिस्से में से दे दिया, तो माइनस कर देना चाहिए ना प्यारे बच्चों मुझे, क्योंकि उसने अपने शेयर में से दे दिया, कितना दे दिया 2/7, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 2/7, और इसने कितना दे दिया 1/7, तो मैं माइनस कर दूंगा 1/7। बताओ कर देना चाहिए ऐसा, नहीं कर देना चाहिए। उसके बाद सिंपल सा है, क्या क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा भाई, 10 में कटोगे इसको 10 से, तो 7 पे कटेगा, 7/70 कितना हो जाएगा बेटा 49, माइनस इसे कटोगे 10 पे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20। क्लियर, ऐसे इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो 49 में से बेटा 20 माइनस करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा भाई 29/70। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 70, ऐसे यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे कटेगा 7 पे, तो 7 क्या 21, माइनस इसे कैंसिल आउट करोगे तो 10 से यहाँ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 11/70, हाँ या ना। जैसे कि मैंने आपको केस फर्स्ट में बताया था, और इसमें बता दूं मैं आपको, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, आपको नया पार्टनर का शेयर लिखना है, कौन सा पार्टनर है हमारा, मुकेश, नहीं सॉरी अशोक, अब अशोक का तो दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हाँ या ना, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 3/7, लेकिन अगर ये ना देता, क्या था ना मैंने, काम चल जाएगा, नहीं देगा तब भी, तो ध्यान रखना मेरी बात को, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना जितना है इन दोनों ने दिया, कितना कितना दिया, इसने तो दिया 2/7, और इसने कितना दिया 1/7, को भी हम निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो, तो मैं करके दिखा रहा है ऐसे ही, 2/7 + 1/7, तो इतना दिया ना, तो मैं इनको क्या कर दूंगा प्यारे बच्चे, ऐड कर दूंगा मैं इनको, तो 7 एलसीएम सेम है, तो 7 ही आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब मैं ऐसी क्या मल्टीप्लीकेशन कर दूं कि यहाँ पर मुझे 70 प्राप्त हो जाए, बताओ जी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सर 10 से, लो जी 10 से कर दें, तो 10 या 30 हो गया, और अपॉन 70 हो चुका है, हाँ या ना। तो मेरा रेशो जो आया रवि इज टू मुकेश इज टू अशोक इक्वल टू 2/7,
29:11:30। बताओ समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है। नहीं सर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा ये केस आपको समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ जरा, और केस थर्ड में समझना है क्या डिफरेंस। केस जैसे मैंने आपको बताया था, ये जुड़वा भाई है और मैं इसके साथ ही करके दिखाऊंगा आपको। ये देखने के लिए ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, जो भी करेंगे हम करेंगे केस थर्ड का। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या डिफरेंस है। आपने क्योंकि केस सेकंड देख ही लिया तो केस इसमें समझना है आपको क्या डिफरेंस। देखो जी, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलिए जी, नहीं ये भी रहने। इस बार क्वेश्चन कम कर दिए होंगे ऐसे। क्या बात है, केस थर्ड के क्वेश्चन हटा दिए उन्होंने, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट केस देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का केस फर्स्ट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना है आपने। कह रहा आर एंड टी आर पार्टनर जिनका रेशियो बेटा 3:2 है। कह रहा एस ज्वाइन ऑफ द फर्म, एस ने फर्म को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ये नहीं बताया एस ने कितना शेयर था, मैंने कहा था ना हो तब भी चलेगा। अगर मैं क्वेश्चन इतना ही पढ़ू तो अभी केस कोई सा भी नहीं बनेगा ना, तो केस फर्स्ट बनता, क्योंकि केस फर्स्ट में ये पता होना चाहिए कितना ज्वाइन किया, हाँ या ना। वेल, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि आर सरेंडर, आर कौन है? पुराना पार्टनर। आर सरेंडर, आर ने सरेंडर कर दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। इसका क्या मीनिंग आई आपको? बताओ भाई। बोल दो बच्चों। सर उन्होंने इसके फेवर में अपने हिस्से में से इतना इतना दे दिया। हाँ, तो कैसा केस लग रहा आपको, कौन सा केस लग रहा? नहीं, थर्ड कैसा लगा? सेकंड भी तो लगना चाहिए, सेकंड में भी तो यही था। लेकिन सर आपने बताया था ना हिज प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो प्यारे बच्चों, केस सेकंड और केस थर्ड इस तरह से जुड़वा है क्योंकि इसमें भी वही काम हो रहा। वहां पे भी तो देखो अशोक ने दे दिया था, उसने रवि ने और मुकेश ने दे दिया था अशोक को, इसमें भी आर ने भी दे दिया टी को इन फेवर ऑफ एस।
और टी ने भी दे दिया। कितना कितना दिया ये भी साफ साफ बता दिया भाई, कितना कितना 1/4 और 1/5। तो लेकिन डिफरेंस क्या है सर, मैंने आपको बताया था जुड़वा हो सकते हैं, जुड़वा इस तरीके से हो सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ये लिख रहा 1/4 ऑफ हिज शेयर और टी ने दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं आ रहा, यानी कि साफ साफ नहीं बताया ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का इतना हिस्सा, ठीक है, अपने हिस्से का इतना हिस्सा उन्होंने दिया है एस को, ठीक है, ना कि फ्रॉम करा। तो मतलब सर क्या करना होगा, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को डिजाइन कर लेता हूँ। वहां पर कौन कौन है बेटा पार्टनर, आर है और टी, जिनका पुराना शेयर कितना था 3/2 है ना। आर सरेंडर, आर सरेंडर टू एस, या गिव लिख दो, बात ही की है ना, और टी सरेंडर टू एस, कितना दिया जी ने, इसने दिया 1/4 और इसने कितना दिया प्यारे बच्चों 1/5। चलिए अब क्वेश्चन की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब यहां आप आ जाओ, बराबर में है आपके केस सेकंड का सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था इसमें दे रखा था ये अशोक वाला है ना, ये बताया था ना ये दे रखा है, तो आप कहोगे सर इसमें तो ये दे रखा था, लो जी मैंने मिटा के ये है, मान लो मैंने ऐसे कुछ करा भी नहीं, आपको पता भी है, इसीलिए नहीं करा था भाई। रवि और मुकेश दो पार्टनर थे, आर और टी दो पार्टनर थे, ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। रवि ने इतना दिया था ये लिख दिया, मुकेश ने इतना दिया था ये लिख दिया, आर ने इतना दिया ये लिख दिया, टी ने इतना दिया इतना लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करा था प्यारे बच्चों, हमने हमने पुराने पार्टनर का शेयर लिख दिया था और लिखकर उसमें से घटा दिया था जितना उन्होंने दिया था, हाँ या ना, और घटाने के बाद जो आया था वही हमारा दैट विल बी द न्यू रेशो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ की अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर एक बार लास्ट बार, यहाँ पे लिख रहा देखो बेटा ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर, जबकि वहां पे क्या लिख रहा था अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पे लिख रहा है कि फ्रॉम, रवि ने इतना दिया फ्रॉम और मुकेश ने इतना दिया फ्रॉम, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट दे रखा था कितना कितना दिया। लेकिन यहाँ हिंदी में अगर आपने थोड़ा सा बचपन में सवाल किए होंगे तो वहां पर आपको पता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता था, तो इसका मतलब आर ने जो सरेंडर करा ना इसको, आर ने जो सरेंडर करा एस को, वो 1/4 ऑफ हिज शेयर किया। अब हिज शेयर आर का कितना शेयर था बताओ, 3/2 यानी कि 3/5, और टी का कितना शेयर था 2/5, ये डिफरेंस है, यानी कि ये आपको स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो किसी से मल्टीप्लाई नहीं की थी मैंने, की थी बताओ केस सेकंड में, क्योंकि फ्रॉम दे रखा था तो डायरेक्ट लिख दिया था और डायरेक्ट घटा देता, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। किस चीज की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आर ने सरेंडर करा एस को 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसका हिस्सा कितना था भाई 3/5। टी ने सरेंडर करा एस को कितना 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका हिस्सा कितना था 2/5, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी 3। अब इतना काम होते ही ये केस सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, खत्म, केस सेकंड बन गया। अभी जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे प्यारे बच्चों, जैसे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कौन सा केस बन जाएगा, ये आपका केस बन जाएगा प्यारे बच्चों सेकंड, ठीक है, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये केस सेकंड बन जाएगा आपका, जैसे हमने अभी तक किया था ऐसे ही केस बन जाएगा। मतलब सर मतलब ये अब मैं निकाल लूंगा आर का न्यू शेयर, ठीक है, आर का न्यू शेयर, आर्स न्यू शेयर, और किसका निकालूंगा बेटा मैं, आर का और टी का, टीज न्यू शेयर। तो आर का कितना हिस्सा था भाई पुराना, आर का हिस्सा था 3/5 और इसका कितना था भाई 2/5, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, हाँ या ना, कितना माइनस कर दूंगा भाई, जितना इन्होंने दे दिया, कितना दे दिया इन्होंने, इनने दे दिया था 3/20,
तो बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर 1/4 ना घटा देना, यहाँ पर कितना दिया इसने 2/25, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका तो एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 एलसीएम आ जाएगा 5 चौक 20 और 4 3 12 माइनस 20 तो है 1 जा तो 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे भाई 9/20। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लोगे तो बेटा यहाँ पर 25 आएगा, 5 5 25 होते हैं, 5 2 10 माइनस 2, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 8/25 आ जाएगा, हाँ या ना। अब मुझे किसका लिखना बेटा शेयर, मुझे लिखना है जो नया पार्टनर है, कौन है नया पार्टनर, एस, एस का न्यू शेयर। अब एस का न्यू शेयर तो दे नहीं रखा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना जितना इन्होंने दिया यू कैन एड इट, ठीक है ना, तुम इनको ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इनको ऐड कर लूंगा तो भाई इन्हें दिया था 3/20 प्लस, क्योंकि इसके पास तो बेसिकली वही होगा ना जितना दोनों ने दिया, तो दोनों वाला हम जोड़ देंगे, तो इसका माइक बंद कर दो, इसका शेयर कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 20 5 100 होते हैं, ठीक है ना, और 5 3 15 प्लस 25 4 100 होते हैं, 4 2 8, तो 15 और 8 कितने हो गए भाई 23/100। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर क्या हो रहे प्यारे बच्चों, अलग अलग हो रहे, तो इसको सेम बनाना पड़ता है। सेम बनाने के लिए देखो 20 है 25 है और 100 है, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें तीनों के अलग अलग हो, तो किसी ऐसे से मल्टीप्लीकेशन कर दो जो ये सेम हो जाए भाई, देखो सबका इसका 100 है तो 100 बनाना आसान है, मैं 20 में 100 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे, किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई जो 100 हो जाएगी, सर 5 से, ठीक है, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी और नीचे भी, तो 9 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 45/100, इसमें किससे गुणा कर दो भाई 4 से, तो 25 4 कितना हो जाएगा 100 और 4 8 32 हो जाएंगे, ठीक है, और ये है ही बेटा हमारा 23/100, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 100 है इसका, तो रेशो क्या आया मेरा आर इज टू टी इज टू एस, कितना आ गया बेटा 45:32:23, और यही आपका आंसर है। ये सबसे मेन काम है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखना है, ये चारों केस आपके पूरे हो जाते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब आप अगर ने आपने याद करा हो तो मैंने आपको बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब निकालते हैं तो आपको सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट, उसके बाद बताएंगे हम लॉन्ग मेथड कि कैसे निकालते हैं। आपका कुछ केस में अगर ये 4 केस गिवन है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है जिनकी आपकी पहचान आपको हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सेक्रीफाइस रेशो होगा प्यारे बच्चों, इसमें जो सेक्रीफाइस रेशो होगा वो इक्वल होगा, शॉर्टकट है ये, निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो केस देखो निकाल दो, इसमें जो सेक्रीफाइस रेशो होगा प्यारे बच्चों वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चे, वो इक्वल होगा ओल्ड रेशो के, ओल्ड रेशो के इक्वल होगा, कब होगा बेटा ये केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, केस फर्स्ट के नीचे लिखा, ठीक है, केस फोर्थ में आपको कोई शॉर्टकट नहीं निकलना पड़ता, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कल को। केस सेकंड में क्या शॉर्टकट है, केस सेकंड में जो ये केस सेकंड में जो होता है ना बेटा ये टेक रेशो के बराबर होता है, सेक्रीफाइस रेशो, एक सेकंड ऐसे लिख देता हूं मैं, केस फर्स्ट में सेक्रीफाइस रेशो इक्वल होता है किसके, ओल्ड रेशो, केस सेकंड में सेक्रीफाइस रेशो किसके बराबर होता है बेटा, टेक रेशो, केस थर्ड में किसके बराबर होता है सेक्रीफाइस रेशो, इक्वल होता है सरेंडर रेशो, और केस फोर्थ में कह रहा कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझना आई बात, लेकिन केस सेकंड और केस थर्ड में नहीं समझना है, तो केस सेकंड में समझ लो, समझ लीजिए कौन सा सरेंडर कौन सा सेक्रीफाइस रेशो होगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये हो रहा, इधर देखो इधर की साइड है ना,
इधर की साइड देखो केस सेकंड आपके पास हो रहा है। अगर मैं आपसे सैक्रिफाइस रेशो पूछूं, क्या पूछूं प्यारे बच्चों? सैक्रिफाइस रेशो, तो इसमें सैक्रिफाइस रेशो बताओ क्या होगा? अभी मैंने बताया टेक रेशो के बराबर होगा, बताओ सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं? हाँ ना तो बोल दे करो भाई, ऐसे नहीं काम चलता। हाँ ये टेक रेशो है इनका, कितना रेशो है? 2:7 और 1:7, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम इसको काट के ये बोल सकते हैं। सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा? 2:1। आया आप तो समझ में? यस सर। अच्छा, और गुंगो के भी समझ में आ गया क्या? जो और गुंगे नहीं बोलते यहाँ पे आ जाओ भाई। इसमें केस सैक्रिफाइस रेशो, इसमें जो सैक्रिफाइस रेशो होगा वो बताओ कितना होगा? इसमें 3/20, 2/25। बिल्कुल, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे बेटा? डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे पहले, तो मैं सेम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे कर दो प्यारे बच्चों? 5 से, और इसमें किससे कर दो? 4 से। तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 × 2 = 10। और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 25 × 4 = 100। तो कितना आ जाएगा मेरा सैक्रिफाइस रेशो बताओ? 15:8। तो ये शॉर्टकट है या नहीं है ये बताओ? Yes, इसमें तो देखते ही पता चल रहा। अच्छा केस फर्स्ट में आ जाओ, केस फर्स्ट ये रहा ऊपर हो रहा ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा हमारा केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में बताओ मुझे जल्दी से सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा बताओ? सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा? सैक्रिफाइस रेशो इसमें बताओ, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। राज राम रमेश थे जिनका रेशो 5:3:2 था, RRR थे है ना, और रेशो था 5:3:2। अब बताओ कितना होगा सैक्रिफाइस रेशो? ये ही होगा 5:3:2, बताया तो ओल्ड रेशो के बराबर होगा केस फर्स्ट में। ये यार डियर तुम समझते क्यों? ये लिख तो रहा केस फर्स्ट में सैक्रिफाइस रेशो बराबर होगा ओल्ड रेशो के, केस सेकंड में ये होगा टेक रेशो के, इसमें होगा सरेंडर रेशो के, और इसमें है नहीं शॉर्टकट, इसमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं वो कल बताऊंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी।